मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट भी जान लेते हैं। मौसम विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट पत्रकार टीवी पर। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली में बारिश संभव है। तो मौसम पर बड़ी अपडेट है। अगले 3 घंटे में अंधड़ और बारिश का पूर्व अनुमान जताया गया है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है और अगले 3 घंटे में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, आज 6 अप्रैल है और मैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से राधेश्याम शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले पिछले 24 घंटों में दर्ज मौसम की यदि बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के यानी जोधपुर संभाग, उदयपुर, अजमेर, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के जयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश अजमेर, जैसलमेर, इसके अलावा जोधपुर के भोपालगढ़, नागौर के रियाबाड़ी में 14 mm बारिश, इन प्रत्येक स्टेशन पर 14 mm बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो सभी स्थानों पर फिलहाल 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है और सामान्य से तुलना करें तो फिलहाल सामान्य के करीब है। मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां आज भी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दोपहर बाद कहीं कहीं दर्ज की जा सकती है, यानी उदयपुर संभाग, वहीं कोटा संभाग और अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं दोपहर बाद हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद दिनांक 7 से 9 अप्रैल के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 10-11 अप्रैल से एक बार फिर से हवाओं के रुख में बदलाव होगा। वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं प्रभावी होने की संभावना है और इसके असर से आप देखेंगे 10 और 11 अप्रैल को कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग की तरफ में मेघ गर्जन गतिविधियां और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। इसके बाद यदि बात करें तो 12 से 15 अप्रैल के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कई इलाकों में सक्रिय होने की संभावना बन रही है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के कई इलाकों में तीव्र मेघ गर्जन, कहीं कहीं तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां जो है वो दर्ज होने की प्रबल संभावना बन रही है। तो इस सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे कि अगले सप्ताह में भी बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियों से तापमान में फिर से गिरावट होगी और गर्मी से फिलहाल जो है वो राहत रहेगी। हीट वेव की बात करें तो अभी भी अगले 5-7 दिनों तक राजस्थान में हीट वेव नहीं चलने की संभावना है, यानी तापमान ज़्यादातर स्थानों पर 40 डिग्री से नीचे आसपास ही बना रहेगा। अधिक जानकारी के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से कृपया जुड़े रहें।